की मांग थी तो स्वीकार किया, आप डी होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करी, अधिकार दिया गया। एक्सपोर्ट की बात आई तो उसका एक बेस लिमिट तय किया गया, 50 मिलियन टन चावल को रिलीज किया गया एपीएल बीपीएल के लिए। तो जो अपनी ओर से तुरंत कार्रवाई करना है बजट से तो वो हम कर रहे हैं, बड़ा स्वरूप बजट में आएगा, उसकी प्रतीक्षा करिए आप। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि देश की हालत अच्छी नहीं है, देश की हालत खराब है, उपाय ठीक है वो निकलेंगे, लेकिन वजह इसकी क्या है ये तो आप पकड़ पाए होंगे ना, वजह क्या है इसकी? देखिए आनंद शर्मा जी मेरे मित्र हैं, गवर्नेंस में एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट और निर्णय दोनों बड़े जरूरी होते हैं। चुनाव खत्म हो गया है, आज मैं चुनाव की बात तो नहीं बताऊंगा, चुनाव के नतीजे सामने में है, हम कहां हैं ये कहां हैं ये भी सामने में है। और केंद्रीय मंत्री के रूप में यह भी मेरा बताना उचित नहीं होगा कि देश की हालत कितनी खराब क्यों है, कितनी खराब है, क्योंकि वो भी मैं शायद अपने शपथ की सीमाओं का अतिक्रमण करूंगा, जो मैं नहीं करना चाहता हूं। अब केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरी एक जिम्मेवारी है, और आपका चैनल भी हो और आप मेरे मित्र भी हो, लेकिन मैं उन जिम्मेवारियों का पालन करूंगा। लेकिन हां यह बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहूंगा कि देश की स्थिति खराब है, सुधारने की जरूरत है, गवर्नेंस का है, निर्णय का है, इन्वेस्टमेंट का है, निर्णय की प्रक्रियाओं का है, आपके अधिकारियों के आत्मविश्वास का है, उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रेरित करने का विषय है, कई विषय से। आनंद शर्मा जी इसमें एक महक आ रही है कि विरासत में बहुत खराब स्थिति मिली है सर। ये आप कह रहे हैं, आपने शुरुआत इससे संकेत करी है। हमें यही आपने शुरुआत इससे करी है जो संकेत देखिए रहे हैं। देखिए मैं आपसे मीडिया से एक अपेक्षा करता हूं, चुनाव खत्म हो चुका, भाई रविशंकर प्रसाद ने ठीक कहा है, अब आप थोड़ा वास्तविकता की तरफ देखें, जो उस वक्त हो रहा था विज्ञापन लेके उस बात को निरंतर मत रखें। आप मुझसे प्रश्न करिए, आपने हमको चर्चा के लिए बुलाया है, आप अपना निर्णय मेरा पहले वाक्य शुरू होने से पहले मत सुनाए, ये मेरा आपसे निवेदन है, सम्मान करिए, अगर आपने बुलाया बात सुनिए, बताइए। पहली बात तो आप किस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचे, किस अर्थशास्त्री ने आपको बताया कि हालात खराब है? रविशंकर प्रसाद जी सरकार के मंत्री हैं, जाहिर बात है कि वास्तविकता को समझते हुए, तंगी या जो चुनौतियां उसको देखते हुए, ये उस पर अपनी सीमित बात इन्होंने रखी। बुनियादी बात एक, ये आपका कथन और कहना कि पूरे 10 बरस देश बर्बाद हुआ है, ये देश को गुमराह करना है, इससे आपको मैं चेताना चाहता हूं, ये अच्छी बात नहीं है, ना ही न्यायोचित है। हिंदुस्तान कहां था 2004 में, मैं बताता हूं। 2004 में भारत की जीडीपी 500 बिलियन डॉलर थी, हम 2 ट्रिलियन डॉलर छोड़ के गए हैं, 100 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जब तेल की कीमत 26 डॉलर थी एक बैरल की, हम 120 डॉलर तक देख के भुगत के गए हैं पूरे 5 बरस में, और 315 अरब डॉलर का छोड़ के गए हैं खजाना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, हम करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लाकर बड़ी चुनौतियों की हालत में 2.1 पर छोड़कर गए हैं। जो वित्त मंत्री हैं हमारे मित्र हैं वरिष्ठ हैं, जब वो भारत के वाणिज्य मंत्री थे तो 63 बिलियन डॉलर भारत का एक्सपोर्ट था उस समय। वास्तविकता को जानते हैं अगर आप, तो ग्लोबल हेडविंड्स थी, दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कोई वित्तीय संकट आर्थिक संकट दुनिया के सामने नहीं था। यूपीए 2 के पूरे 5 साल एक गंभीर विश्व के संकट में गए हैं, एक दिन भी नहीं हुआ जब उस संकट से हम उभरे हों। कहना की बात आसान है, पर इस हालात में जब 7 से 12% सिकुड़ा है विश्व का व्यापार, हम 1313 बिलियन छोड़कर गए हैं भारत के एक्सपोर्ट को, सर्विसेज को मिला लें टू वे ट्रेड हम 1 ट्रिलियन से ऊपर लेकर गए हैं हिंदुस्तान के उसको। अगर आप और बातों को गिनना चाहें मैं आपको पूरी जानकारी दूं। ये इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं, अभी अच्छी बात है, रविशंकर जी को बधाई हो, प्रधानमंत्री को भी मिलने आएंगे, इनको भी मिलने आएंगे, हमको भी मिलने आते थे। आप क्या सोचते हैं कि पिछले 10 बरस तक डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमको मिलने कोई नहीं आता था? दुनिया का निवेशक, कोई सीईओज और चेयरमैन हमको नहीं मिलते थे, सैकड़ों की लिस्ट होगी जो मुझसे ही मिले हैं। तो इस बात को ऐसा मत प्रकट करें कि इससे पहले हिंदुस्तान के दरवाजे बंद थे, हिंदुस्तान की सोच बंद थी, हिंदुस्तान में ऐसे मूर्ख लोग थे जो देश का नहीं सोचते थे, ये दिखाना ये दर्शाना बहुत गलत बात है। मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान इस हालात के अंदर प्रथम 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में रहा है। आप अंकटाड की रिपोर्ट निकाल लें,
2009 से लेकर अब तक, वर्ल्ड बैंक के निकाल लें, आईएमएफ के निकाल लें, आपने किस बेसिस पे यह कह दिया कि हालात खराब थे? एनडीए सरकार के समय में सन 2000 से 2004 तक 19.63 बिलियन डॉलर एफडीआई आई थी, यह वास्तविकता है। बाकी भारत में अगर आप देखें 2000 से लेकर अब तक तो 327 बिलियन डॉलर एफडीआई आई है, जिसमें से 205 बिलियन डॉलर यूपीए 2 में आई है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो या तो आपके पास कोई आंकड़ों की जानकारी नहीं है या बताना नहीं चाहते। मैं बड़े सम्मान से निवेदन करना चाहता हूं, भाई चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, संवेदनशील विषय थे, कुछ खामियां होंगी, गलतियां होंगी, कुछ दुष्प्रचार भी होता है, पर अब चुनाव खत्म हो गया, एक सरकार आई है, अपना जनमत लेके आई है, जिसको हमने स्वीकार किया बड़ी विनम्रता के साथ। पर अब हम सरकार में नहीं है, हर चीज के लिए आपके आज भी सिर में दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए तो मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी और आनंद शर्मा जिम्मेवार हैं। इस बात को बंद करिए, अब आपको जिम्मेवारी मिली है, आप काम करिए, जो अच्छा काम करेंगे देश के लिए आपको हमारा सहयोग मिलेगा। पर अगर आप इस तरह का एक नैरेटिव इस तरह का जारी रखेंगे, वो कोई हेल्दी नैरेटिव नहीं है, बड़ा गलत नैरेटिव है। इतना बेहतर काम किया मनमोहन सिंह जी ने देश को जिस स्थिति में छोड़कर गए, क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था की त्रासदी है कि इस देश में इकोनॉमिक परिभाषा हम चुनाव में जीत हार के जरिए देते हैं? देखिए मुझे एक बात कहनी है, हम और अनंत शर्मा मित्र हैं। नहीं तो लगातार लग रहा है। एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, बिल्कुल एक मिनट मुझे बात कर दीजिए आप। और हम लोग टीवी पर बहुत भिड़ते भी रहे हैं, और ये आर्थिक विषय पर जो इनके आंकड़े हैं उसके आखिरी जवाब मेरे पास भी है और मैं खूब दे सकता हूं, लेकिन आंकड़ों के जाल में अपने दूसरे मित्र पुनीत प्रसन्न वाजपेयी और आज तक के दर्शकों को नहीं फंसाना है। लेकिन एक बात जो इन्होंने कही कि दुष्प्रचार से हम हार गए, मेरे अच्छे मित्र हैं। एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 44 पर आ गई है, इसको कुछ सोचने की जरूरत है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का खाता किसी प्रदेश में 10 नहीं पहुंच सका है, ये कहीं सोचने की जरूरत है कि नहीं? देखिए राजनीति में इनका भी लंबा जीवन है, छात्र जीवन से मेरा भी लंबा जीवन है, हम दोनों ने देश के चुनावों को पिछले 30-35 साल से नजदीकी देखा है अपने स्टूडेंट लाइफ से। इस पूरे चुनाव के महत्व को समझने की जरूरत है, और देश ने जो ये बता रहे हैं उसको विश्वास नहीं किया, या जो ये बता रहे हैं वो जमीन पर दिखा नहीं, यही है देश की त्रासदी। देश इतना परिपक्व हो गया है कि वो देखना चाहता है जो आप बता रहे हैं वो जमीन पर दिखता है कि नहीं दिखता है, और ये देश अपेक्षा करता है हमसे। और मैं कहूंगा कि शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी में इतना विश्वास इसीलिए प्रकट किया, ये नहीं पसंद करेंगे, इनका अधिकार है, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने जो कहा वो गुजरात की जमीन पर दिखाई पड़ा था, कुछ कमियां वहां रही होंगी लेकिन जनता ने उसको देखा जमीन पर, और उसी आशा से उनके प्रति ये अपेक्षा हुई कि इतनी बड़ी मेजोरिटी आई है कि यूपी में 80 में 73, बिहार में 40 में 31, और कई प्रदेशों में कांग्रेस को एक भी नहीं मिला। अगर ये कहना है कि हम हार गए उसमें दुष्प्रचार का भी कारण था, तो आनंद जी मुझे क्षमा करिएगा, कहीं ना कहीं ये देश की जनता के मत का भी अपमान है। देश की जनता बहुत परिपक्व हो गई है, तो शायद आप भी अंदर से झांक कर देखिए, जनता ने हम पर जो इतनी अपेक्षा लादी है, हम भी ईमानदारी से काम करें, हमें काम करने का अवसर दीजिए और अच्छा हम करेंगे। देखिए एक बात इसमें छूट गई, जरा याद करा दूं, आपने गवर्नेंस की बात कही, आपने अधिकारियों के मनोबल की बात करी, आपको हमारी शुभकामनाएं, आपके मंत्रियों का भी मनोबल बना रहे, आप उसमें शामिल हैं मेरे मित्र के रूप में। पर यहां अब आपके प्रधानमंत्री विभागों के सचिव को, सेक्रेटरीज को सीधा अपॉइंट करेंगे, वो रिपोर्ट सीधी देंगे, अपने स्तर पर फाइनलाइज करेंगे, तो प्रभु जानता है या वो मोदी जी जानते हैं कि उसमें मंत्री की क्या योगदान और भूमिका रहेगी। आप महत्वपूर्ण बड़े मंत्री हैं, मैं जानता हूं कि आपकी भूमिका रहेगी। दूसरी बात एक और कहूंगा कि जो वातावरण की हम बात करते हैं, इसको भी नहीं भूलना चाहिए रविशंकर जी, कि वातावरण की जब हम खराब होने की बात करते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी संख्या की जरूरत नहीं होती। सदन चले नहीं, सदन में चर्चा हुई नहीं, सदन में
हम अपनी बात नहीं कह सके, आप अपनी बात नहीं कहे। बड़े बड़े लॉज कानून जो देश के लिए थे वो बरसों से चर्चा में नहीं आए, पास नहीं हुए। अब आपने कहा, ये एक तो हमने कहा विनम्रता से हमने स्वीकार किया जनादेश को, अब उसको कितनी बार बोलें। अब विनम्रता से स्वीकार करने का ये मतलब नहीं है कि हम आपके प्रधानमंत्री और आपके दल को साष्टांग प्रणाम करेंगे, वो तो कभी नहीं होगा। विरोधी अपेक्षा भी नहीं करेंगे नहीं, आप हम सुनिए, आप सुनिए, हाँ, वो तो कभी होगा नहीं, उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात एक है, सोचे भी नहीं। आपने जो 44 गिनाए हैं, शायद काफी यहां पे युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं याद करा दूं, ये दो रह गए थे, दो, वो दिन भी शायद आप भी याद कर ले। और दूसरी बात ये है, हम 44 जरूर हैं, पर जो 2009 में मत प्रतिशत था बीजेपी को, उससे 1.5% अभी भी ऊपर है। कन्वर्शन रेट आपका हाई था, आप 116 हो गए। हमारा दुर्भाग्य कि हम ज्यादा वोट पाकर भी, 11 करोड़ वोट लेकर भी हम 44 पे सिमट गए। पर ये एक वास्तविकता है, लोगों ने अपना निर्णय दे दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने पराजय को भी स्वीकार किया है। पर ये बार बार कहना कि जिस तरह से हम नस्तानबूद हो गए, गलतफहमी है। आप पिछली बार देखिए, जब आप लोग हारे थे 2009 का, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सब देख सकते हैं, आपको लगभग 7 करोड़ वोट था। हम 11 करोड़ वोट के बाद 44 पे आ गए, हमको खुद चिंता है इस बात की। पर मैं इस मंच से थोड़े बताऊंगा हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक अधिकारियों को निर्णय लेने की है, अगर हर फैसले पर सवालिया निशान था, हर निर्णय पर आरोप था, हर अधिकारी घबरा गया था, आज अगर आपके पास भी, आपकी परिपाटी पर आज का विपक्ष चलना शुरू करे कि आपके हर निर्णय पे 2 महीने के बाद सवालिया निशान हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, तो आप जो बात कह रहे हैं वो सब मालूम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हम ये करना चाहते हैं, पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश का वातावरण क्या था। और एक चीज को और याद रखें, एक चीज है चुनाव, चुनाव में मैनिफेस्टो आता है, चुनाव में वायदे किए जाते हैं। आपके पक्ष में लहर थी, मैं कहूंगा टाइडल वेव थी, आप जीत गए। हम भी 414 आए थे, आप 282 आए हैं, हम 44 थे, अधूरे थे। हम लोग आगे बढ़े, आप ही ने जिक्र किया, चुनाव का जिक्र मत सुनिए, मैं अब हम खामोश हो गए। नहीं, अगर ऐसी बात ये सुनिए, मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा चुनाव का जिक्र मत कीजिए, हमने नहीं किया। ये 44 नंबर किसने कहा? 44 और कहा गया यहाँ पे या नहीं? देखिए देखिए, सब दर्शक बैठे हैं, ये मैंने कहा पहले, आपने कहा ये 44 किसने बात कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़े, आप बिल्कुल न्यायपूर्वक बात करिए, मैंने ये प्रश्न नहीं छोड़ा था, न्यायपूर्वक बात नहीं कर रहे। ये जब कहा गया, देखिए नहीं, हम अगर पीछे ले जाएंगे, आप पीछे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? सेक्रेटरी की नियुक्ति हो रही है, उस समय मनमोहन सिंह की नियुक्ति हुई थी। आप एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ये बात कही गई, ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी है। अगर यहाँ पे ये बात कही गई कि हमारी संख्या कितनी रह गई, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आप चुनावी आंकड़ों में अगर जा रहे हैं तो उसी पे जिक्र हम लोग कर लेते हैं। आप सही बात करिए, ये बात मैंने नहीं शुरू करी, तो जनाब ये सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, सभी सुन रहे हैं, पर आप सुनिए, एक चीज को याद रखिएगा, मैं यहाँ आया हूँ आपकी चर्चा में, तो हम लोग चर्चा करेंगे। आनंद शर्मा, आप रविशंकर प्रसाद वो हैं जो अपनी बात कहेंगे कायदे से, आप मुझे नहीं कहेंगे मुझे क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। ये बात गुस्सा नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात शुरू नहीं की। आपको आपत्ति क्या है? अगर हमको अपनी संख्या बताई जाती है तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा, चुप करके बैठूंगा। पहली ही लाइन आपको गलतफहमी है कि अगर आप मुझे बुलाएंगे और मैं चुप करके बैठूंगा। नहीं नहीं, आप बोलिए, इससे कहां इनकार है? बिल्कुल बोलूंगा, मेरा अधिकार है, आप बोलिए, इससे कहां इनकार है? अच्छा, आप जरा मैं भी बोल लूं, इन्होंने बहुत बोला है। देखिए, मैं पहली बात बोल दूं, इन्होंने एक बात कही चूंकि ये दर्शकों के सामने जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री सचिवों से बात करते हैं 2.5 घंटे की बैठक में, जानते हैं क्या निर्णय गलत हुआ, ये तो अच्छी बात है ना, क्या सुधारना है। इन्होंने कहा कि मंत्रियों का क्या होगा, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने एक स्ट्रोक में 81 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को खत्म कर दिया और कहा कि आप मंत्री लोग फैसले करो, ये वो ट्रस्ट करते। अब फिर मैं कहूंगा, अतीत में नहीं जाऊंगा, क्या होता था क्या नहीं होता था। एक बात का मैं जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि इन्होंने 2 बार कहा, हम 2 रह गए थे 84 में, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे बहुत सी युवा पीढ़ी उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। वो चुनाव इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या, जिसकी मैं पूरी आपत्ति और उसको कंडेम करता हूं जो हुआ, उसके कारण जो एक सहानुभूति की लहर थी उसमें हुआ था। एक मिनट, लेकिन ये चुनाव अपेक्षा गवर्नेंस विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, लोगों ने ट्रस्ट किया, तो एक चेंज है। अब
जो सच्चाई है वो है, आगे आप अच्छा करें, लोकतंत्र में होता है ये, तो लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र के निर्णय का सम्मान भी करना चाहिए। और कई बार अनंत जी, हम दोनों टीवी के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को कड़े सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए और उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये हम आपसे कहना चाहेंगे, वाजपेयी जी मुझे भी नहीं छोड़ते हैं, आपको भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये तो चलता रहेगा, हमारी इनकी नोकझोंक चलती रहेगी। आपका हनीमून पीरियड है तो ये सवाल तो आपसे तो बड़े मीठे मीठे हो रहे हैं जी। नहीं, हमसे खड़े तो प्रशंसा हो रही है, सवाल हमसे हो रहे हैं। अभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया मैंने, तो सुना नहीं है। सुनिए, मेरी मुझे एंकर बनना चाह रहे हैं तो हम कहां से सवाल करें? मुझे कुछ और नहीं, आते हैं इस भूमिका में खुद को ढाल लिया कि हमें लगा कि हम कांग्रेस के हो जाएं, आप एंकर हो जाएं। आपने आते ही इस भूमिका में खुद को खड़ा कर लिया। सुनिए सुनिए, आप एंकर को भी, एंकर को मैं कहने कह रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कहना चाहिए, पर अगर आप अपना रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्या वो संतुलित थी या नहीं थी, उस पर प्रश्न चिन्ह होगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आपका कोई पूरा मीडिया क्रेडिबिलिटी पे चलता है, आघात नहीं पहुंचाना। सुनिए, और वही वो सुनिए, जब आप बात दो लोगों से करते हैं तो एक चीज होनी चाहिए, आप भी अनुभवी हैं, जो पराजित लोग, जो पराजित होते हैं उनके साथ, वाजपेयी जी का व्यक्तिगत उनके साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़िए, मैं आपसे आपसे बहस नहीं करने आया। हम लोग एक चीज और बताता हूँ, डिस्कशन बजट को लेकर आगे तो बढ़ा। बजट तो ना आपको मालूम है क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, ना इनको मालूम है ना मुझे मालूम है। बजट बनाना बड़ी पेचीदा एक्सरसाइज है, वो हलवा कल बन गया, 10 दिन तक वो बैरक्स में बंद रहेंगे बजट बनाने वाले। 16 लाख का बजट था जो चिदम्बरम देके गए। अरुण जेटली जी से मेरी जो बात हुई है वो खुद भी चिंतित हैं। ये नहीं होता कि आपको कितना खर्चा है, कितना आपका रेवेन्यू है, कितना आपका घाटा है, किस किस योजनाओं को प्राथमिकता देनी है, उसके मुताबिक ही आप तय करते हैं ना बजट। बजट तो आप और मैं यहाँ बैठ के नहीं लिखने वाले, मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनके डिपार्टमेंट के बारे में ही पूछ लें। अच्छा सुनिए, मैं इतना तो मौका दीजिए, मुझे आखिरी एक बात कहे। आज क्या बात है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे आनंद जी? अरे भैया, मैं चुप कर जाता हूँ, आप बोलो। मामला कुछ गड़बड़ है लगता है, कैसे कर रहे हैं? अब विरोध पक्ष की भूमिका कर रहे हैं आप, सत्ता पक्ष है, उसके लिए संसद है ना अभी? नहीं, वो करेंगे वहां पर भी। हमने कहीं पार्लियामेंट से अलग तो नजर आए। वोडाफोन टैक्स इशू एक हुआ था, और आप चूंकि अभी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं और कानून मंत्री भी हूं, कानून मंत्री भी हैं, इन्वेस्टर्स कमोडिटी को लेकर क्या मैसेज है? देखिए, पहली बात बता दूं, फिर मैं कहूंगा ये, क्योंकि मैं सरकार का मंत्री हूं तो एक मैं सावधानी के साथ बोलूंगा, ये विषय वित्त मंत्री तय करेंगे। लेकिन जिस दिन मैंने कानून मंत्री के रूप में अपने पदभार ग्रहण किया था और जिस दिन वित्त मंत्री ने पदभार ग्रहण किया था, कुछ संकेत उन्होंने देश के सामने दिया था। पहला संकेत कि देश के नीति वित्तीय हो या बाकी हो, वो स्थायी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, मतलब उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो इन्वेस्टर साहब बाहरी हो या हिंदुस्तानी, उसको मालूम होना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। दूसरी बात, टैक्स स्ट्रक्चर भी जो है ना वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने स्वयं के मैनिफेस्टो में एक बात कही थी कि कई मामलों में टैक्स के जो फैसले हुए उससे अनिश्चितता बहुत बड़ी है। देश के कानून मंत्री के रूप में मेरा और फर्ज बनता है, जो देश, देखिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पूंजी निवेश करना है, तभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी देश की आर्थिक व्यवस्था में और इनलार्जमेंट होगा, व्यापकता आएगी। तो इसके लिए टैक्स स्ट्रक्चर में भी एक स्थायित्व तो बहुत जरूरी है। अब ये इसका स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, इसको वित्त मंत्री के ऊपर छोड़ दीजिए, ये विस्तार की बात है। लेकिन जहां तक मैं अपनी सरकार को समझता हूं, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था के 3 मानक हैं, नियम प्रामाणिक होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, और वो प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, ताकि ये आपकी पॉलिसी है जिसमें देश चलने वाला है। दूसरा, जो टैक्स की व्यवस्था है वो भी अनिश्चितता में नहीं होनी चाहिए कि जब आए तो आपने कहा ये टैक्स देना है, बाद में आपको ये। और तीसरा, निर्णय की प्रक्रिया। एक बात इन्होंने कही कि आप पर भी PIL हो सकता है, बाकी हो सकता है, इस देश में PIL करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर निर्णय की प्रक्रिया पुण्य प्रसून वाजपेयी बाबू संदेह के घेरे में रहेगी तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। यह हमारा फर्ज बनता है कि निर्णय की प्रक्रिया प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, किसी को जाने का अधिकार है। और मैं पूरा एक चीज और जोड़ दें, तब हम आनंद जी आपसे पूछेंगे। आपने एक चीज कही, स्टेबल और प्रेडिक्टेबिलिटी जो थी उसके बारे में जिक्र किया, स्टेबिलिटी के बारे में। गैस प्राइस 3 महीने बाद बढ़ाएंगे आप, ये मैसेज किसके लिए है?
क्योंकि पहले से ये चली आ रही थी। नहीं, उसके बारे में आपको बता दूं, फिर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कैबिनेट के अंदर के मामलों को रिवील नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गैस प्राइस को लेकर स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशंस था, कुछ लोग की और टिप्पणी थी, गैस प्राइस पर एक निर्णय हुआ, उसमें एक कमेटी बनी, फिर आया कि उसको इंप्लीमेंट करने की बात आई तो इनके कुछ मंत्रियों ने आपत्ति की, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको ना लागू किया जाए। इनके कई मंत्रियों का कहना था कि लागू किया जाए, कुछ लोगों ने गाइडलाइन बनाया। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि चूंकि एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संवाद जनहित से होता है, इसलिए पूरे मामले की हम समीक्षा करेंगे 3 महीने में। समीक्षा करने के बाद इसका निर्णय करेंगे। ये गलत क्या है भाई? नहीं तो क्या ये माना जाए कि जो कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं ऑयल और गैस के फील्ड में, उनके तमाम इससे पहले की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, उसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं? रिव्यू करने का अधिकार सरकार का है, यह अधिकार इनकी सरकार होगी उसका है, मेरी सरकार होगी उनका होगा। लेकिन मैं एक बात, आपने जो कही कॉर्पोरेट लॉबिंग की बात, तो मैं ये बात बहुत ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि इस सरकार में लॉबिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, दबाव प्रभाव अब नहीं चलेगा। निर्णय ईमानदारी से होंगे, प्रामाणिकता से होंगे, सुनी सबकी जाएगी। मैं आज टेलीकॉम मंत्री हूं, सबकी सुनता हूं और सबों को बहुत विनम्रता से कहता हूं, और आपके चैनल से भी इसको बात को दोहरा रहा हूं कि इस विषय को ठीक करने में हमारी मदद करिए, निर्णय मेरिट पर होंगे। आप जब ऐसा संकेत देते हैं, और एक बात और है पुनः प्रसन्न वाजपेयी जी, मंत्रियों को ना कहना सीखना चाहिए, ये मुझे बहुत अनुभवी नेता ने बताया है कि ये काम हो सकता है और ये काम नहीं हो सकता है। हमारी सरकार में ये प्रामाणिकता है। ये संकेत बड़े है। नहीं, बड़ा सर तो मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे कुछ सिखाया है और मैं उसका पालन कर रहा हूं, और ये मैं अपने विभाग में भी कहता हूं, सॉरी ये काम मैं नहीं कर सकता। आनंद जी, आप कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, इंडस्ट्री देख चुके हैं, टेक्सटाइल के रह चुके हैं, एक मैसेज इस दौर में है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इस दौर में नहीं आ रहे थे, इसका एक प्रयास गवर्नमेंट ने शुरू किया गवर्नमेंट की तरफ से। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, सबने सुनी। मैंने आपको 2000 से 2014 तक का FDI के आंकड़े दे दिए, उसमें से अगर एक सेंट भी आप गलत बता दे तब तो आपका कुछ भी कहना उचित होगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया के प्रथम 3 राष्ट्रों में रहे और पिछले 5 साल में $207 अरब आया, जबकि दुनिया में आर्थिक संकट था। मुझे अभी कुछ हैरत है, हम चाहते हैं, देश तो अपना है, साझा है, कि आपकी जो भी ये योजनाएं बनाएं वो कामयाब हों, देश में और विदेशी मुद्रा आए और FDI आए, पर ये कहना कि अभी 30 दिन में जिस तरह से पूरी दुनिया ने अपने बैंक्स खोल दिए और उससे पहले सब दरवाजे बंद थे, बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। मेरा अपना विचार भी यही रहा था, आज मैं इस बात को खुल के कह सकता हूँ, पहले भी ये बात पब्लिक डोमेन में है। मैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बिल्कुल विरोध में कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में, और मैंने वित्त मंत्री को बार बार इसके बारे में लिखित में कहा। ट्रांसफर प्राइसिंग के विषय में भी मेरी अपनी सोच बड़ी स्पष्ट थी, पर सरकार के निर्णय साझे होते हैं, जब सरकार का जो निर्णय होता है उससे पूरी सरकार बनती है। तीसरी बात, प्रिडिक्टेबिलिटी की बात, एक तो होती है टैक्स रिजीम की, एक होती है पॉलिसी की। UPA सरकार ने, NDA की कई ऐसी पॉलिसी डिसीशंस थे, हम विपक्ष में थे, हमने उसका विरोध किया था, पर नीतिगत हमने तय किया 2004 में कि वाजपेयी सरकार के जो भी निर्णय हैं वो देश के निर्णय थे, जो पॉलिसीज थी वो देश की पॉलिसीज थी। दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि हिंदुस्तान में हुकूमत बदलती है, पॉलिसी बदल जाती है, एक भी पॉलिसी रिवर्सल नहीं हुआ। यही मैंने निवेदन संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया है, अरुण जेटली जी से, भाई रविशंकर, सब लोगों से, कि आप एक मैसेज स्पष्ट करें कि जो राष्ट्रहित में निर्णय हुए हैं, जिसको आपको भी स्वीकार करना चाहिए, जो नीतियां बनी हैं उन नीतियों को आप रिवर्स मत करें। अगर आप करेंगे तो आप एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को सुधार नहीं पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर। हम भी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं UPA 1 और UPA 2 में, तो आज अगर हम विपक्ष में इसकी ये माने नहीं कि हमारी कोई भी सोच देश से अलग होगी। मैंने कहा है इस बात को बार बार कि जो भी इनका कदम, इनकी नीति हम सोचेंगे,
देश को मजबूत करती है, देश के हित में है, इनको हमारा रचनात्मक सहयोग होगा। हम संसद को रोकेंगे नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि संसद की गरिमा को हम समझते हैं और बनाए रखना चाहते हैं। पर एक बात और, कि ये कहना कि गैस की प्राइसेस या पेट्रोल के है या और कीमतें हैं, रेल का भाड़ा बढ़ गया, कि ये करना चाहते थे, भैया हम नहीं ना करके गए, आप तो बिल्कुल हमारे विरोध में आए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को और आपको किसने कहा कि जो हम करना चाहते थे आप वही काम करते रहो, मत बढ़ाओ। हम पहले भी कहते थे, आपने प्याज के कहा, आपने दूसरे सब्जियों का कहा कि हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया, मैंने कल भी आपको सुना। मैं आपको बता दूं प्रसन्न जी और आपके दर्शकों को, कि MEP तो पहले थी, ये MEP एज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी मैंने वाणिज्य मंत्री के रूप में इंट्रोड्यूस करी थी, जब 2009 दिसंबर में प्याज की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। तो विषय यह था, जिस पे नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार मुझे पत्र लिखा, गोपीनाथ मुंडे जी ने लिखा, कि अगर सरकार बैन लगा देगी एक्सपोर्ट पर तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख गिरती है। हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का बनाया, पिछले साल भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्याज का $650 किया गया, अभी $500 कल किया गया है नोटिफाई इनकी सरकार के द्वारा। और MEP का मतलब यह है, जब प्याज की अवेलेबिलिटी हो जाए, डिमांड सप्लाई की बात है, तो MEP को कम करते करते हम जीरो तक ले आए। पर वो MEP रहती है कि जब देश को जरूरत पड़े तो आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दो, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है उससे ऊपर ले जाओ, ताकि एक्सपोर्ट बंद हो जाए। बाकी जहां तक प्याज की बात है कि ये पहली बार हो रहा है, हमने देखिए बार बार कहा कि होल्डिंग है, मिडलमैन के हिमायती कोई भी हो, सबको मालूम है। अगर नीति की बात है तो अगर आपका डिमांड सप्लाई को सुधारने की बात थी, किसान से सीधा आपके बाजार में आए और सीधा आपके रसोई में जाए, उसका हमने प्रबंध एक नीति बना के किया, उसका तो विरोध हुआ। अभी सरकार को उसमें जो भी निर्णय लेना है मुबारक ये लें, पर देश के हित में हो। पर प्रश्न ये उठता है कि उस समय जब हम कहते थे कि राज्य की सरकारों की भी इसमें जिम्मेवारी बनती है, तब हमारी आलोचना होती थी कि कोई नहीं सुनने को तैयार था। हम कहते थे देश में GST लाओ, कोई नहीं सुनना चाहता था। आज ये कहते हैं हमने बड़े फैसले कर लिए। भैया ये तो हम भी करते थे, आप भी APL BPL को, हमारी सरकार भी लाखों टन रिलीज करती थी, आप निकाल के ले दीजिए, कोई पहली बार हो रहा है देश में। हर चीज को यह दिखाना कि पहली बार हुआ। आप देखिए एक बहुत बड़ी लहर पर आए हैं, एक ऐसा हसीन सपना हिंदुस्तान को दिया है, नौजवानों को दिया है, कि शायद चांद भी सूरज भी सितारे भी वो सब दे देंगे। और आप तो ऐसा दिखा रहे हैं कि 36 दिन में सब कुछ दे दिया। अब आप ये चर्चा भी उसी में करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आने चाहिए देश के, हम नहीं चाहते कि बुरे दिन आए। पर कितना आप ले आएंगे वास्तविकता को समझते हुए, उसमें कहीं हमें थोड़ी बहुत चिंता है। कभी भी अपेक्षाएं आसमान पर नहीं पहुंचाई जानी चाहिए लोगों की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मैं तो ये कहता हूं, आप तो अपने संस्कृति के अनुरूप बात करूंगा बड़े सम्मान से, ऐसी समस्याएं ज्वलंत हैं हर देश के पास, समाज के पास होती हैं, कि त्रिमूर्ति में हिंदू समाज विश्वास करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी धरती पर उतर आए तो शायद मुश्किल हो, पर आपके नरेंद्र मोदी हैं, वो सारी समस्या का समाधान लेकर आए जेब में, अब जो मुबारक हो आपको। रविशंकर जी, ये मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बोलिए, उसमें एक चीज जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एक चीज आती है कि क्या इस दौर में वाकई पॉपुलिज्म का एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसमें दृष्टि और विजन गायब हो गया था, पॉपुलिज्म सिर्फ थी। एक मैं बताऊं, वाजपेयी जी, मैं सोच के आया था कि आज तो मुझे कुछ अधिक बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे मित्र आनंद शर्मा की टिप्पणियों से कि हम चुनाव हार कर आए हैं, ऐसा हमें लग रहा है, और वो चुनाव जीते हैं। ठीक है भाई, अगर उनकी ऐसी सोच है तो उनको मुबारक है। देखिए आज के दिन इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, तो कहने को तो किससे बहुत है, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आज तो वो बात नहीं करनी है, आज तो बजट की बात करनी है। देखिए ये भी सोच ठीक नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो देश ठीक नहीं हो सकता है। मेरी सोच ये है वाजपेयी जी, कि अगर देश को ये लग के ठीक काम कर रहा है तो देश आशीर्वाद देता है। इसी देश में एंटी इनकम्बेंसी की बात हुआ करती थी, और इसी देश ने ऐसे मुख्यमंत्रियों को 3-3 बार जिताया है। ये देश में ट्रेंड बदला है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको 2009 में जिताया था,
मैं स्वीकार करता हूं कि शायद हम पिक्चर नहीं दे पाए। 10 साल के बाद देश को लगा कि नहीं, इनसे बहुत नाइतफाकी हो गई, इनको विदा कर दिया, 44 पे ले आया। तो अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करने के साथ ही साथ हमसे क्या खता हुई है और देश को समझने में हमसे क्या भूल हुई, इसको भी मानना बहुत जरूरी है। तो यह हम मानते हैं कि, मैं तो हमेशा मानता हूं कि देश का लोकतंत्र वाजपेयी जी बहुत परिपक्व हो गया है। आज देश के लोग यह जानते हैं कि हम अपने वोट की ताकत से किसी भी कोई बदल सकते हैं, दिल्ली में या प्रदेश में। नेता कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी बड़ी हो, और यही देश कहीं ना कहीं आपसे भी फीडबैक लेता है कि आपका चैनल कैसा चल रहा है। तो अपने देश के ऊपर गर्व करना चाहिए, एक बात मैं कहूंगा। और मैं अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जीत को ये विनम्रता से स्वीकार करते हैं, तो हम भी उतनी विनम्रता से जीत को स्वीकार करते हैं और आपके माध्यम से देश के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी प्रामाणिक रूप से काम कर रही है और हम अच्छा करेंगे। हमने दिवा स्वप्न नहीं दिखाया है। और जहां तक बात की सबका सहयोग देने की, जो भाई साहब ने बात कही, तो मोदी जी का भाषण हुआ था दोनों सदनों में, उन्होंने कहा था कि चुनाव के पहले हम सभी उम्मीदवार हैं और चुनाव के बाद हम सभी उस तरफ हो या इस तरफ जनता की उम्मीदों के दूत हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि सदन के दोनों सदनों में ऐसी कोई पार्टी अगर एक भी एमपी नहीं है, मैं उसका भी साथ लूंगा। यह दृष्टि उन्होंने दी, तो हम कोशिश करेंगे, ईमानदारी से फैसले करेंगे। अब जहां तक आपका सवाल है निर्णयों की प्रक्रिया के बारे में, निर्णयों की प्रक्रिया और एक चीज और रविशंकर जी, क्योंकि एक संकेत कम से कम एक महीने में आना चाहिए जिसका जिक्र बार बार लोग सोच रहे हैं। जैसे आप चूंकि कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, उसमें एक सवाल है कि क्या नई टेलीकॉम पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि माना यह गया है कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, बड़ा क्रोशियल रोल होता है टेलीकॉम का, उस दृष्टि में देखा नहीं गया। जी, आपने बहुत माइन्यूट चीजें हैं, आपने बहुत सही कहा, मैसेजेस नहीं आ रहे। आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला फैसला हम लोगों ने क्या किया, SIT बनाया ब्लैक मनी पर, पहली कैबिनेट में। आप मैसेजिंग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, हम लोगों ने उसको और बड़ा कर दिया, कौन कौन रहने चाहिए। और आपने देखा होगा कि ये स्विस गवर्नमेंट अब विदेशी खातों में जमा के बारे में सूचना को शेयर करने को तैयार है, ये पहली बात। आपने जो टेलीकॉम की बात की, आपको मालूम है कि देश में BSNL MTNL की क्या हालत कितनी खराब है, घाटे में चल रहे हैं, भयंकर घाटे में। और उस घाटे में बहुत कुछ निर्णयों का भी अधिक, मैंने पहला निर्णय किया है कि मुझे इन दोनों को सुधारना है। मैं 30 घंटे की प्रेजेंटेशन ले चुका हूं उनको, और आपको बता दूं कि मैंने स्वयं मॉनिटरिंग का निर्णय किया है उनके इंप्रूवमेंट के लिए। ये जो ब्रॉडबैंड है देश में, इन्होंने शुरू किया था इनोवेशन, मैं आपके सामने कह रहा हूं, इनकी सरकार का निर्णय था, 2 साल में कुछ नहीं हुआ है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मोदी जी की इच्छा है देश के सारे स्कूलों को, सारे विश्वविद्यालय को जोड़ने की, गांव तक पहुंचने की, उन्हें हमें निर्देश दिया है। और आपको बताऊं काम के बारे में, वाजपेयी जी, मोदी जी हर विभाग का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने IT विभाग को 2.5 घंटा दिया, मैं बैठा हुआ था। उन्होंने टेलीकॉम विभाग को 2 घंटे दिए और पोस्ट को 1.5 घंटे दिए। ये तीनों विभाग मेरे अंतर्गत में है। देश का प्रधानमंत्री एक एक विभाग पर जो महत्वपूर्ण है इतना समय दे रहा है सुधारने के लिए और क्या करना है, तो करेंगे, चिंता मत करिए। जो आपने बात की टेलीकॉम पॉलिसी की, मैंने बताया IT के बारे में, मैंने बताया कि मैं उसको कितना इंप्रूव कर रहा हूं, टेलीकॉम को भी इंप्रूव करेंगे। अब नीतियां क्या करूंगा वो मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, उसमें सुधारने की बहुत गुंजाइश है। मेरी बहुत समस्याएं विरासत की भी हैं, इसको लीगेसी प्रॉब्लम कहते हैं, सुधारूंगा, चिंता मत करिए आप। घाटे वाले जो भी PSUs हैं, इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अरुण शौरी जी ने डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात की थी, और उस पीरियड में हमें याद है कि नवरत्नों पर भी अटैक हुआ था और नवरत्न भी बेचने शुरू हो गए थे। आपने जो जिक्र किया जिन दो संस्थानों का, क्या जो घाटे वाले हैं उसको आप लोग सुधारने के प्रोसेस में आने वाले हैं, या आपको लगता है कि जी नहीं, अब उसकी इक्विटी सेल की जाएगी, जोड़ा जाएगा? मेरी एक सोच दूसरी है। अगर देश में अच्छा कॉम्पिटिशन चाहिए, अच्छी प्रतिस्पर्धा, तो मैं मानता हूं कि सरकारी महकमे ठीक चलेंगे तभी प्रतिस्पर्धा प्रामाणिक होगी। ये मैं बहुत ईमानदारी से मांगता हूं। देश में प्राइवेट प्लेयर्स को आने देना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, उन्होंने देश में बहुत सहयोग किया है। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा प्रामाणिक हो तो सरकारी या सरकार के सहयोग से चलने वाली संस्थाओं को भी अच्छा काम करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा अलग सवाल है, उसमें कितना बेचा जाए नहीं बेचा जाए वो नीतिगत बात है, वित्त मंत्री के पास वो विभाग है कि वही तय करेंगे। लेकिन
इन सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में देश की जनता का टैक्स का लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है, क्या उसे डूबने देना चाहिए या उन्हें अच्छा करना चाहिए? आपने घाटे की बात कही, बहुत सही कहा गया। उसमें कुछ निर्णय ऐसी हुई हैं जिसके कारण उनका हजारों करोड़ का प्रॉफिट सीधा घाटे में आ गया। अब उन निर्णयों की चर्चा मुझे अभी नहीं करना है, लेकिन ये भी मंत्री रहे हैं, मैं भी हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सुधारना, उनको उपयोगी बनाना और देश की जनता का जो टैक्स का पैसा लगा हुआ है उसका सदुपयोग हो, ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारी सरकार उसमें महसूस करती है। डिसइन्वेस्टमेंट किस कंपनी का कितना करना नहीं करना, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई नीतिगत विरोध नहीं होना चाहिए। अब उसमें स्ट्रैटेजी करना है नहीं करना है, नवरत्ना कितना करना है नहीं करना है। आपने देखा होगा कि यहां पर वो मॉडर्न ब्रिड हुआ करता था दिल्ली में, जहां तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं थी। आज बालको है या बाकी कंपनियां हैं, अच्छा किए हैं, क्या और सुधार करने की जरूरत है क्या? लेकिन हमें एक बात हमेशा महसूस करता हूं कि जो वहां काम करने वाले हैं उनके हितों का अहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस संस्था को अगर सम्मान दिया है तो उनके हितों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये माने कि ये बजट जो है ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं होगा, इस देश के नागरिकों के लिए भी होगा। अब कंज्यूमर भी नागरिक होते हैं पंडित जी, ये आपने कहां से सोच लिया? और उसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। बट गया है ये समाज, क्योंकि जो जिक्र हुआ था सेंट्रल हॉल में मोदी जी का जो भाषण था उसमें एक बात ये निकलकर बार बार आ रही थी कि इस देश में जो हाशिए पर पड़ा तबका है उस दिशा में किसी ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। ये बिल्कुल सही कहा, मोदी जी का भाषण पहला था, उस दिन भी सदन में भी था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए रहेगी, गरीबों के लिए सोचेगी, गरीबों के लिए जिएगी। और हमारी बात, हम ये भी ईमानदारी से महसूस करते हैं कि गरीबों के लिए काम करने के लिए सरकार को राजस्व चाहिए, पैसे चाहिए, उसके लिए इकोनॉमी का अच्छा होना भी जरूरी है, उसके लिए पूंजी निवेश भी जरूरी है, उसके लिए उद्योग धंधों का बढ़ना भी जरूरी है। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। तो सरकार की अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताई है, उस पर हम काम करेंगे। इतना जरूर है कि देश में विकास के कुछ मायने, और मैं देखिए ये बात मोदी जी ने हम लोग को बार बार संकेत किया है और ये कोई पार्टी कर नहीं किया है। हिंदुस्तान इतने बड़े देश, जहां इतनी क्षमता है, जहां इतनी प्रतिभा है, जहां के नौजवानों में इतना उत्साह है, वो इतना गरीब क्यों है? कब तक रहे, क्यों रहना चाहिए? जैसे उन्होंने एक मिशन दिया है कि गांधी जी का 150वां वर्ष होने वाला है 2019 में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ करें? देखिए मोदी जी की सोच क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आईटी विभाग के प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि क्या हम एक वेबसाइट बना सकते हैं जो खोए पाए बच्चों का वेबसाइट हो। देश में बच्चे गायब हो जाते हैं, मेले में छूट जाते हैं, कई बार किडनैप हो जाते हैं रैंसम के लिए, कई बार छूटते हैं, वो अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाते हैं और अधिकांश गरीब होते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो भारत के खोए पाए बच्चों का हो? अगर किसी को, मुझे ही सड़क पर एक खोया बच्चा मिला तो मैंने उसका मोबाइल से क्लिक किया, उसको फेसबुक से डालकर उस पर लॉग ऑन कर दिया ताकि उसके माँ बाप भी देख सकें, आप उसको पकड़ सकें। मैं भी गया था, आपको बताऊं वाजपेयी जी जो बैंगलोर, तो वहां मैंने आईटी प्रोडक्ट्स के स्टार्टअप कंपनी के सामने एक बात कही। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि वहां प्रतिस्पर्धा हो रही है कि इस वेबसाइट को बिल्कुल मानव दृष्टिकोण से कौन कंपनी जल्दी बनाती है। अच्छी बात है, ये उत्साह देने की बात है, वो उत्साह हम कर रहे हैं। इस मैंने उदाहरण दिया, ऐसे उत्साह के कार्यक्रम कई और मामलों में हो रहे हैं और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है वाजपेयी जी, अगर देश का नेतृत्व ईमानदारी से उत्साह पैदा करेगा तो देश रिस्पॉन्ड करता है, ये मेरा विश्वास है। ईमानदारी पर लगता नहीं है आपको कि जैसे ही जजेस की नियुक्ति का मसला आया एक झटका लगा देश को? देखिए ठीक है, मैं ये विषय संवेदनशील विषय है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका का हम पूरा सम्मान करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका की आजादी का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इस निर्णय की प्रक्रिया में सरकार की एक भूमिका है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने दो दो बार कहा है कि सरकार को किसी निर्णय को एक बार पुनर्विचार करने का अधिकार है। उस पुनर्विचार की प्रक्रिया का हमने पालन बहुत ही पारदर्शी ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पे किया है, बाकी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा हमें मान्य होगा। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज क्यों है? अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है और आप ये सवाल ना पूछे तो बड़ी कृपा होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, ये संवेदनशील विषय है। इतना रिपीट करूंगा कि सरकार को यह अधिकार है, सरकार इनकी हो या मेरी हो, सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो बात कहने का अधिकार ऑब्जेक्टिव फेयर
कोजन ग्राउंड पे होना चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये एक सवाल देश में उठा है। रविशंकर जी कानून के मंत्री हैं, मैं उनकी सीमा को समझता हूं, सम्मान भी करता हूं, और आप भी। पर वास्तविकता ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि उनसे बात किए बिना, उनको सूचना दिए बिना सरकार ने एक नाम को सेग्रीगेट किया है। जब चार की फाइल एक बार जाती है तो कायदा यही है कि पूरी फाइल वापस जाती है कॉलेजियम के पास। सरकार को अगर किसी नाम पर आपत्ति भी है तो सरकार मुख्य न्यायाधीश को और उनके माध्यम से कॉलेजियम को बताती है। सरकार प्लांटेड लीक्स के माध्यम से किसी को बदनाम नहीं करती। ये परंपरा हमने पहली बार बनती देखी है और ये बड़ी चिंता की बात है। देखिए, मैं यहां पर इसको, मुझे आप बोलने दीजिए, ये गलत बात हो रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा, मैं इसका उत्तर दूंगा। लॉ मिनिस्टर है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से प्रतिक्रिया करता हूं, फिर आप भी। और आनंद जी, मैं आपसे फिर कहूंगा, आप भी वरिष्ठ मंत्री रहे, यह संवेदनशील विषय है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट का। पूरी फाइल रिकंसिडरेशन के लिए वापस गई है, प्रक्रिया के अनुसार गई है, प्रेसिडेंट्स का पालन करके गई है। आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मेरी उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के इस अपॉइंटमेंट को पॉलिटिसाइज न करें। मैं बहुत विनम्रता से पॉलिटिसाइज नहीं करते, पॉलिटिसाइज जुडिशरी को कर रही है। बिल्कुल, उसका कारण सबको मालूम है। चलिए, वो जो संबंधित व्यक्ति है उनकी योग्यता पर, उनकी इंटेग्रिटी पर किसी पे कोई किसी को डाउट नहीं है। बुनियादी बात और है, और वो उस कारण भी पब्लिक डोमेन में है। वो बात बाद में आगे बढ़ेगी। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज कहनी है कि देखिए, हर चीज को अभी ये दिखाना कि ये पहली बार हो रहा है, थोड़ा इसमें होमवर्क होना चाहिए। ये जहां तक ई गवर्नेंस का है, 31 मिशन मोड, नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है 2006 से। ब्रॉडबैंड हाईवे का पूरे देश में हर गांव जुड़े, ये आपका। घंटी बज गई है, घंटी अभी सबकी बजेगी, चिंता मत करिए। तो उसमें एक चीज कहूंगा मैं कि ये भी 2011 25 अक्टूबर को वाजपेयी जी, मैं मान गया, सारे अच्छे काम दे दिया किए। तो इसलिए अगर आप ये कहें खत्म करिए, मोदी जी ने ये कह दिया, सारे अच्छे काम, मोदी जी कहते हैं ये, अरे भैया हो गया, पर इससे पहले के कोई सारी बुद्धिमता इससे पहले कभी थी नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सारा ज्ञान नहीं था। पहली बार मतदाता बुद्धिमान हुआ, इससे पहले मतदाता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ऐसा मत दिखाइए, आपके हनीमून के दिन है, खुश रहो। चलिए ठीक है, हम एक आखिरी सवाल पे उस पर आ रहे हैं रविशंकर जी, कि जैसे मनरेगा बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट के तौर पर सामने देश में लाया गया था, आप लोगों ने उसमें कुछ एक परिवर्तन की बात कही कि एक तो उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की, दूसरा गांव से निकाल के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की बात की। तो क्या जो आपने बार बार का जो लेजेसी आपको मिली है, जो विरासत का जिक्र हो रहा है, क्या इस सेक्रेटरीज के जरिए उन तमाम परिस्थितियों को परखते हुए देश को आगे ले जाने की सोच है कि जो पॉलिसी इससे पहले अटकी थी? क्योंकि देश एक चीज जानना चाह रहा है कि लगातार जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन है, चाहे वो सेक्रेटरी से हो या आप लोग के जरिए सेक्रेटरी से हो, प्रेजेंटेशंस लगातार जो हो रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन क्या नए आइडियाज के साथ हैं, पुराने प्रोसेस को नए रिवाइज? बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि मैं उसमें रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारी सच्चाई को सामने रखिए, और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी बनता है कि टीम के नेता के रूप में सारी सच्चाइयां देश के उनके सामने रहनी चाहिए। तो हम लोग अच्छा, और ये हमने कभी नहीं कहा कि आपने कुछ नहीं अच्छा किया, काफी कुछ आपने गड़बड़ भी किया, ये हम कहते हैं। वो बात छोड़िए, अलग जगह पर है। लेकिन क्या है कि क्या सुधारना चाहिए, आगे की दिशा क्या हो। जैसे प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें समस्या भी बताओ और उसका समाधान भी बताओ, और ये हम लोग को नए तरीके से सोचने का एक है कि डोंट फ्लैग द प्रॉब्लम्स ओनली, सॉल्यूशन क्या है। तो ये हम कर रहे हैं, आपने कहा, और प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि हर वो जब टीम का नेता है तो देश की जानकारी, सारे विभाग की जानकारी उनको होनी चाहिए और उनका निर्णय अंतिम होना चाहिए। ये हो रहा है 10 तारीख नहीं अच्छा। ये बात ठीक कही इन्होंने आखिर में, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री टीम के कैप्टन होते हैं, उनको सारी जानकारी होनी चाहिए। ये तो कैप्टन ऐसे हैं कि आपके
कैबिनेट मिनिस्टर्स इन साथ में होम मंत्री को शामिल कर लें, उनका पीएस और ओएसडी लगे या ना लगे रिजेक्ट करके पीएमओ की वेबसाइट पे जाता है, मंत्रियों के दौरे कैंसिल करके वेबसाइट पे जाता है, थोड़ा इतना सेंट्रलाइजेशन भी शायद चिंता का विषय एक दिन बनेगा देश में। मोदी जी की बहुत आलोचना करते रहे 10 साल से, आप थोड़ा शांत हो जाइए। हमने थोड़े कहा कि ऐसा काम शांत हो जाइए, चलिए शांत हो जाइए। एक आखिरी कॉमेंट खाली कर दीजिए कि 10 तारीख बजट जी, आप बजट के भीतर क्या ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मैसेज क्या होगा इस देश के लिए 10 तारीख को? मैसेज होगा देश की स्थिति का संकेत, भविष्य के लिए आशा, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का रोडमैप, ये तीनों का संकेत होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद।